मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ कांग्रेस की ओर से छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में हैं। नकुल नाथ के पास 656.8 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। उन्होंने इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा रखा है। नकुल नाथ ने 41.7 करोड़ रुपए अचल संपत्ति में निवेश किया है। उन पर 0.0% यानी कि लगभग 1.7 करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा नकुल ने 4.3 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में लगा रखे हैं। अब नजर डालते हैं कनिमोझी करुणा निधि की संपत्ति पर। उनके पास 28.1 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इसमें से उन्होंने 8.9 करोड़ रुपए अचल संपत्ति पर निवेश कर रखे हैं। वहीं उन पर 15.3 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। इन सबके अलावा 2.1 करोड़ रुपए कनिमोझ ने इक्विटी के रूप में रखे हैं। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के पास कुल संपत्ति 108.5 करोड़ रुपए की है। उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 88.4% मतलब 101.1 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में निवेश कर रखा है। हेमा पर 73.2 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि इक्विटी में उन्होंने महज 0.2% निवेश किया हुआ है। जयाप्रदा की बात करें तो 26.2 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति में उन्होंने 67% हिस्सा मतलब 18.6 करोड़ अचल संपत्ति में लगाया है। जया पर 1.3 लाख रुपए का कर्ज है और 31% इक्विटी में निवेश कर रखा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।